स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कॉर्न। आज हम बनाएंगे कॉर्न के पकौड़े। अभी बारिश का मौसम है और पकौड़े के बिना हम कैसे रह सकते हैं, तो क्यों ना हम कॉर्न के पकौड़े ट्राई करें। आइए देखते हैं। बैटर बनाने के लिए हम लेंगे जीरा, हल्दी, लाल मिर्च, कॉर्न, प्याज, 2 चम्मच बेसन, 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर और हरा धनिया। पहले हम कॉर्न को ग्राइंडर में डालेंगे। हम यहाँ आधा कॉर्न ही यूज करेंगे, आधा कॉर्न हम साबुत ही इस्तेमाल करेंगे। इसमें हमें पानी नहीं डालना है, हम इसे ऐसे ही ग्राइंड करेंगे। अब हमारा कॉर्न ग्राइंड होके तैयार हो गया है, हम इसे एक बोल में ट्रांसफर करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे प्याज, साबुत कॉर्न, बेसन और कॉर्नफ्लावर। हम इसमें डालेंगे जीरा, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, हल्दी, मिर्ची और हरा धनिया। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे मिक्स करेंगे। एक साथ बहुत सारा पानी नहीं डालना है, नहीं तो हमारा बैटर पतला हो जाएगा, क्योंकि हमारा कॉर्न ऑलरेडी ही गीला है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसका एक थिक बैटर तैयार करेंगे। अब हमारा बैटर तैयार हो गया है। हम फ्राई करने के लिए ऑयल लेंगे और इसे हाई फ्लेम पर ही रखेंगे। हमें ऑयल को हाई फ्लेम पर ही रखना है और अपने पकौड़े डालने हैं। पकौड़े फ्राई होने लगे हैं। पकौड़े डालने के बाद हम फ्लेम को मीडियम पे कर देंगे। जब तक हमारे पकौड़े तलकर तैयार हो रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हमारे पकौड़े फ्राई होके तैयार हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए ये कितने क्रिस्पी दिख रहे हैं, ये बहुत ही टेस्टी बने हुए हैं। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करें। मैं इसे करौंदे की चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। करौंदे की चटनी का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। कॉर्न के पकौड़े को आप किसी भी चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नए वीडियो अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।